नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर में अनेक स्थानों पर नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज नगर निगम टीम द्वारा नॉन वेंडिंग जोन में खड़े ठेलों को जब्त कर कार्रवाई की गई। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि ठेलों के कारण यातायात बाधित होता है और कचरा गंदगी फैलने के कारण राहगीरों को भी परेशानी होती है। नगर निगम द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार बदलते ही नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम द्वारा नॉन वेंडिंग जोन क्षेत्र में लगे ठेलों को आज हटाया जा रहा है। आज नगर निगम टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए कचहरी रोड इंडिया मोटर चौराहे के नजदीक लगे ठेलों को हटाया गया। टीम द्वारा कुछ ठेलों को जब्त भी करने की कार्रवाई की गई। निगम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ठेला चालकों को निर्देशित किया हुआ है कि वह सायंकाल 6 बजे बाद ही ठेले लगाएं, लेकिन सुबह से ही ठेला लगाने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी समझाइश कर कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन ठेला चालक समय से पहले ठेला लगा लेते हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है। देखिए, आज नगर निगम की टीम के द्वारा, जिसमें नगर निगम की विजिलेंस टीम और हेल्थ ऑफिसर के द्वारा और नगर निगम के अतिक्रमण शाखा के द्वारा मिलकर के कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई में आज जो जेएलएन हॉस्पिटल है उसके पास जितने भी नॉन वेंडिंग जोन में जितने ठेले लगे हुए हैं उनको हमने हटवाया है, उनको पाबंद किया है कि यहाँ जब वेंडिंग जोन हो, जहाँ वेंडिंग जोन हो वहीं आप अपने ठेलों को लगाएं। अव्यवस्थित और बिखरे हुए ठेले जो लगे हुए हैं, जिन्होंने गंदगी कर रखी है, उन सभी को हमने पाबंद किया है, उनके सामानों की जब्तियाँ की हैं और सभी को पाबंद किया है कि इस तरह की आगे से इस तरह की जो अवैध ठेले हैं वो नहीं लगने चाहिए। जेएलएन और मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर और जेएलएन के पीछे इमरजेंसी गेट के यहाँ पर काफ़ी ठेले लगे हुए थे, क्योंकि वेंडिंग जोन नहीं होते हुए भी काफ़ी ठेले थे और काफ़ी अव्यवस्थित रूप में थे, तो उनको सबके सामान जब्त किया गया है और उनको पाबंद किया गया है कि वो भविष्य में इस तरह का अतिक्रमण ना फैलाए। लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है नगर निगम की नॉन वेंडिंग? बिल्कुल, नगर निगम तो शुरू से ही लगातार कार्रवाई करता रहा है और अभी भी भविष्य में भी करता रहेगा। अभी और भी कार्रवाइयाँ कहीं होंगी? हाँ, हमारी कार्रवाई निरंतर चल रही है। अजमेर में अनेक स्थानों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज टीम द्वारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल गेट के बाहर अवैध रूप से लगे ठेलों को हटाया गया। मौके पर उपस्थित निगम अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इन ठेलों के कारण ट्रैफिक जाम रहता है और लोगों द्वारा खाने पीने की सामग्री इधर उधर फेंकने के कारण अस्पताल के बाहर गंदगी रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए वेंडिंग जोन में ही ठेले खड़े करने चाहिए, जिसके लिए समय भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा बिना वेंडिंग जोन पर ठेले खड़े करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। निर्देशन जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर जो अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं या वेंडिंग जोन बना रखा है, जिसकी वजह से यहाँ सारा ट्रैफिक जमा रहता है, गंदगी फैली रहती है, तो उस समस्या के समाधान के लिए अवैध रूप से जो अपने ठेले खड़े हैं या कैबिन्स खड़े हैं उनको उठाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उनको उठा के उनको रास्ता साफ कराया जाकर उनको साफ सफाई व्यवस्था कराई जा रही है। लेकिन सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये कार्रवाई पहले भी हुई है और फिर जोर मिनट के बाद ही दूसरे दिन वापस दिख जाते हैं, इसके लिए कोई स्थायी समाधान हो रहा है? इसके स्थायी समाधान व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई इसको आप टाइमली इसकी वापस व्यवस्था करेंगे। ऐसे नहीं एक बार कर लिया फिर देखेंगे नहीं, इसको टाइम टू टाइम वापस देखते रहेंगे। जो जिला कलेक्टर साहब से गौरव भाई, उन्होंने भी हटवाई थी, पूरा चौड़ा करवाया था, रोड वापस रहता था। इस बार हम इसको इंश्योर करेंगे इसका रिपीटेशन ना हो, कि एक बार खड़े वापस आके वहीं ना खड़े, उसका हम उसके ऊपर इसको इंश्योर करेंगे। अच्छा, कुछ कोई जगह वगैरह इनको दी जा रही है कोई ऐसा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अवैध अतिक्रमण यानी जिसको भी अपना ठेला खड़ा करना, वेंडिंग जोन निर्धारित है नगर निगम द्वारा, उसे वेंडिंग जोन जो समय निर्धारित है या जगह निर्धारित है वहीं पे ठेले। तीर्थ नगरी पुष्कर में शाम को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचेंगे, उनके साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी दौरे में साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा अजमेर संभाग स्तरीय जनप्रतिनिधियों की बैठक ली जाएगी। आज इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस के जवानों को पुष्कर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। तीर्थनगरी पुष्कर में शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी दौरे में साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा अजमेर संभाग स्तरीय जनप्रतिनिधियों की बैठक ली जाएगी। इसी को देखते हुए अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने आज समस्त पुलिस अधिकारियों और जवानों की बैठक ली, साथ ही उन्हें सुरक्षा और व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश भी दिए। आज पुष्कर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की उनकी आपस की मीटिंग है, तो उस संदर्भ में वो यहाँ शाम को पहुँचेंगे। तो चूँकि वीआईपी विजिट है, वीआईपी विजिट में ब्रीफिंग में क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब एक इन हाउस बैठ के हम चर्चा करते हैं। तो जो आज चर्चा की गई, इनको सबको उस मामले में जो है ब्रीफ किया गया, कोई कमी पेशी कोई है, कोई समस्याएं हैं वो भी जानी जाती हैं, ताकि उसको समय रहते। विश्व टीबी रोग
योग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए विश्व टीबी दिवस के मौके पर जागरूकता अभियान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी संबंध में जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से संबंधित अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर धोलावाटा पर डॉक्टर रेणु बेदी के नेतृत्व में धोलावाटा के सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों को टीबी रोग के प्रति जागरूक रहने और किस प्रकार से बचाव किया जा सके, इस बीमारी को किस प्रकार फैलने से रोका जा सकता है, इस संबंध में बच्चों को जागरूक किया। विश्व टीबी रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए विश्व टीबी दिवस के मौके पर जागरूकता अभियान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी संबंध में जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से संबंधित अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर धोलावाटा पर डॉक्टर रेणु बेदी के नेतृत्व में धोलावाटा के सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों को टीबी रोग के प्रति जागरूक रहने और किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है और इस बीमारी को किस प्रकार फैलने से रोका जा सकता है, इसके संबंध में बच्चों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सौरभ अवस्थी ने इस विषय पर अपना संबोधन दिया। हम सभी सेंट जोसेफ स्कूल में विश्व टीबी दिवस जो कि 24 मार्च को हर साल विश्व स्तर पर देश स्तर पर मनाया जाता है, इसीलिए उपस्थित हुए हैं। इस साल की जो थीम है वर्ष 2024 की, वो है यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम सभी टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। जो ये कि टीबी बीमारी है, ये एक जीवाणु बैक्टीरिया नामक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलती है और ये मुख्यतः फेफड़ों को ग्रसित करती है। सबसे पहले इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो हैं दो सप्ताह से ज़्यादा की खांसी, खांसी में बलगम आना, बलगम के साथ कई बार खून के थक्के आना और सडन वेट लॉस होना जो कि 10 किलोग्राम से लेके 20 किलोग्राम तक हो सकता है। ये जो कि सरकार द्वारा मुफ्त जब बच्चा पैदा होता है तभी प्रथम दिन से ही दिया जाता है, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी और इसका जो इलाज है वो हमेशा सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान किया जाता है। उसके बारे में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। आज हमारे यहाँ हेल्थ टॉक का मेन उद्देश्य ये है कि समय पर ही टीबी बीमारी को हम डायग्नोस कर सके और टाइम पर उसका ट्रीटमेंट कर सके। और ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से निशुल्क है, इवन जांच से लेकर आगे ट्रीटमेंट तक और आगे उसके फॉलोअप तक पूरा गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो ये बेसिकली हमें अवेयर करना है लोगों को कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरी तरीके से इलाज किया जा सकता है और जिस बीमारी का इलाज किया जा सकता है उसे हम पूरी तरीके से जड़ से मिटा सकते हैं। तो इसी बारे में हम बच्चों को जिला स्तरीय औषधि व्यसन समिति अजमेर की बैठक श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला अजमेर के विभिन्न थानों में NDPS एक्ट के प्रकरणों में जब्त माल के मालखाना का निस्तारण किया गया। इस पर समस्त मादक पदार्थों को श्री सीमेंट की फैक्ट्री के भट्टी इंस्टूलेटर में चलाकर नष्ट किया गया। जिला स्तरीय औषधि व्यसन समिति अजमेर की बैठक पुलिस अधीक्षक अजमेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला अजमेर के विभिन्न थानों में NDPS एक्ट के प्रकरणों में जब्त माल के मालखाना का निस्तारण किया गया। इसके तहत NDPS एक्ट के 41 प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थ डोडा पोस्त 3830 किलोग्राम, गांजा 17 किलोग्राम, स्मेक 192 ग्राम, MD 156 ग्राम, चरस 627 ग्राम, केटमाइन 9 ग्राम, अफीम के पौधे 2468 नग, भांग के पौधे 68 ग्राम, गांजे के पौधे 4 किलोग्राम, इसमें एक पीने की सामग्री को कैंप श्री सीमेंट की फैक्ट्री के भट्टी इंसुलेटर में जलाकर नष्ट किया गया। वह 43 किलोग्राम अफीम का निस्तारण कर राजकीय अफीम कार्यालय नीमच में जमा कराने का निर्णय लिया गया। NDPS एक्ट के प्रकरणों में धाराएं 52A की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात NDPS एक्ट के 22 प्रकरणों में जब्त 24 वाहनों को नीलामी का निर्णय लिया गया। जिला स्तरीय औषधि व्यसन समिति अजमेर जिला पुलिस द्वारा NDPS एक्ट में जब्त मादक पदार्थों का जो है डिस्पोजल किया गया, वो श्री सीमेंट में जो इंसिनरेटर है, भट्टी है, उस भट्टी में 41 प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थ डोडा पोस्ट 3830 किलोग्राम, गांजा 17.34 किलोग्राम, स्मैक 192 ग्राम, MD 156 ग्राम, चरस 627 ग्राम, कैटामाइन 9.932 kg, अफीम के 2468 पौधे, भांग के पौधे जो है उनका वजन 0.68 किलोग्राम और गांजे के पौधे 4.510 किलोग्राम और स्मैक पीने की सामग्री इत्यादि को भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया। और इन मुकदमों में जो वाहन जब्त हुए 22 प्रकरणों में 24 वाहनों की नीलामी का भी निर्णय लिया गया है, जिसके लिए
उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को लिख दिया गया है। नहीं नहीं, गिरफ्तारी नहीं, पुराने मुकदमे हैं। इन मुकदमों में जो माल जब था, जो मालखानों में पड़ा था, जिनसे मालखाने भरे पड़े थे और जिनकी अब अनुसंधान में और आगे ट्रायल में आवश्यकता नहीं थी, कोर्ट की अनुमति से उस की वो इन्वेंट्री बन जाती है, इन्वेंट्री बनकर न्यायालय के आदेश से इसको जिला स्तरीय कमेटी द्वारा, जिसमें मैं एडिशनल एसपी सिटी और एक क्राइम असिस्टेंट, इनकी एक कमेटी होती है और पूरा वहाँ सामान को पूरे को तोल कर वापस पुनः उस तरीके से एक विधिवत तरीके से भट्टी में। फागुन के महीने में बाबा श्याम के नाम के फाग महोत्सव जगह जगह आयोजित हो रहे हैं। इसमें श्रद्धालु नाचते गाते बाबा के द्वार तक पहुंचते हैं और अजमेर मदार गेट से कस्तूरबा अस्पताल के निकट सूरज कुंड मंदिर में बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए आज सैलाब उमड़ पड़ा। पुष्कर से अनेक महिलाएं निशान लेकर मंदिर पहुंची, तो वहीं पुरानी मंडी से बाबा श्याम के भव्य शोभा यात्रा और निशान यात्रा निकाली गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा झांकी भी सजाई गई। फागुन के महीने में बाबा श्याम के नाम के फाग महोत्सव जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें श्रद्धालु नाचते गाते बाबा के द्वार तक पहुंचते हैं। अजमेर मदारगेट स्थित कस्तूरबा अस्पताल के निकट सूरजकुंड मंदिर में बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए आज सैलाब उमड़ पड़ा। पुष्कर से अनेक महिलाएं निशान लेकर मंदिर पहुंची, तो वहीं पुरानी मंडी से बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा और निशान यात्रा निकाली गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा झांकी भी सजाई गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे मां काली का अखाड़ा चला। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु बाबा श्याम के भजनों पर नृत्य करते हुए मंत्रमुग्ध नजर आए। पुरानी मंडी से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर मदार गेट स्थित सूरजकुंड श्याम बाबा मंदिर पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए। श्याम मैं गिरधारण मंडल और पुरानी मंडी व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से सारे भक्तों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बाबा श्याम की यात्रा में आके और बाबा की शोभा बढ़ाई। ये यात्रा हम 8 वर्षों से निरंतर व्यापारी संघ, व्यापारी मंडल, गिरधारण मंडल सबके सहयोग से निकालते आ रहे हैं और बाबा का वर्चस्व दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर हमारे मंडल के, महिला मंडल के, श्याम प्रेम मंडल के सारी महिलाओं ने एकत्र होके खूब श्याम बाबा की ध्वजा लहराते हुए और श्याम बाबा की ध्वजा यात्रा को सफल बनाया। इसके अंदर मैं सभी भक्तों का तहे दिल से आभार करता हूँ। ये 8 सालों से हमारी चल रही है, सुभाष गली पुरानी मंडी से लेके पुरानी मंडी नया बाजार होता हुए चूड़ी बाजार होके बाबा श्याम के दरबार सूरज कुंड मंदिर मदार गेट पर हम ये ध्वजा अर्पण करते हैं, जिसमें सभी भक्तों का, सभी व्यापारी भाइयों का और हमारे मंडल का हर तरह से सहयोग रहता है। मैं तहे दिल से सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री श्याम। पहले सभी भक्तों को जय जय श्री श्याम। फागुन मेले के रंग रंगीले मेले की आपको सब एकादशी के हार्दिक शुभकामना है। आज बाबा का विशेष श्रृंगार जहाँ सूरजकुंड मंदिर अजमेर धाम में किया गया, ड्राई फ्रूट से श्रृंगार से मंदिर सजाया गया है। आज भक्तों का सुबह से रेला लगा हुआ है, पुष्कर से निशान लेके पद यात्री लेडी से 35 लेडी से पुष्कर से सुबह है। सुबह से ही आज पता नहीं कहाँ से लोग पैदल यात्रा आ रहे हैं निशान लेके बाबा की अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। आज एक विशेष बाबा का श्रृंगार और एक अलग ही मनोकामना का काम विशेष हो रहा है। बोलो खाटू नरेश की। पुरानी मंडी से भी एक यात्रा जो हर साल आ रही है बाबा की, विशेष निशान यात्रा, निशान लेकर आ रहे हैं जो बाबा की यहाँ ध्वजा छड़ती है, बाबा की निशान मंत्री पर छड़ता है। आज पुरानी मंडी से निशान लेकर भक्त लोग आ रहे हैं और भक्त लोग सुबह से लेकर शाम तक आते रहेंगे। और बाबा का ऐसे अनुभव काम है कि आज फाग महोत्सव हर जगह जगह बाबा का फाग महोत्सव मनाया जा रहा है। कल भी बाबा का 21 तारीख का शाम को आज बाबा की आरती होगी और भजन कीर्तन होंगे शाम को, कल दूसरे दिन। अजमेर जिले के नायक कर्मचारियों के अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव प्रक्रिया निभाई गई। प्रातः से प्रारंभ हुए मतदान में अनेक कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सायंकाल को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मतगणना की जाएगी और इसके बाद परिणाम घोषित होंगे। अजमेर जिले के न्यायिक कर्मचारियों के अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव प्रक्रिया निभाई गई। प्रातः से प्रारंभ हुए मतदान में अनेक कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह प्रक्रिया आज शाम 5 बजे तक जारी रही। इसमें अजमेर जिले के कुल 548 न्यायिक मतदाता रहे, जिन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया। आज सेशन न्यायालय परिसर में मतदान हुआ। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में, जिनका सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो यहाँ का अजमेर न्यायिक क्षेत्र का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर अजमेर न्यायिक क्षेत्र के कर्मचारियों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कुल 548 मतदाता हैं जो पूरे जिले के अंदर मतदान करेंगे। ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, सरवाड़ सभी जगह मतदान हो रहा है
और उसके साथ में अजमेर न्याय क्षेत्र का मतदान जो अजमेर सेशन न्यायालय परिसर में रखा गया है, कुल 548 वोटर है और इसमें 5 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं जिनका चुनाव हो रहा है, जिनके अंदर जो है एक तो आशीष शर्मा है, एक शक्कर सिंह शेखावत है, एक कल्पना शर्मा है, एक देवकरण भांबी है। इन पांचों के बीच के अंदर मुकाबला है। 5 बजे तक चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जो वोट डलेंगे उसकी वोटिंग जो है मतगणना का कार्यक्रम 5 बजे शुरू हो जाएगा, परिणाम आज ही घोषित कर दिया जाएगा। इसके पहले जो है 10 प्रांतीय प्रतिनिधियों के चुनाव होने थे, उसके लिए कुल 11 नामांकन दाखिल हुए थे, एक के द्वारा जो है नामांकन वापस ले लिए जाने के कारण 10 प्रांतीय प्रतिनिधि चुने गए। प्रांतीय प्रतिनिधि पूरे राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों का जो है अजमेर न्याय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके अंदर महेंद्र सिंह राजपुरोहित, भागचंद पवार, बेरूराम, भवरलाल गुजर, ऋषिराज, वीरेंद्र कुमार उबाणा, रशीदुल्ला खान, किशन गोपाल शर्मा, सुमेर सिंह और संजय गोयल है। विश्व वन्य जीव कोष के तत्वावधान में 60 Earth Hour 2024 के विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण की मुहिम पर टाटा पावर अजमेर की शहर के सभी उपभोक्ताओं, समुदाय और समस्त व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से अपील की गई है कि 23 मार्च को रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए प्रतीकात्मक आह्वान के रूप में ऊर्जा बचाने हेतु अपने घर के कार्यालय और गैर आवश्यक विद्युत लाइट्स के उपयोग को बंद रखकर सहयोग प्रदान करें। विश्व वन्य जीव कोष के तत्वावधान में 60 Earth Hour 2024 के विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण की मुहिम पर टाटा पावर अजमेर की शहर के सभी उपभोक्ताओं, समुदाय और समस्त व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से अपील की गई है कि 23 मार्च को रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए प्रतीकात्मक आह्वान के रूप में ऊर्जा बचाने हेतु अपने घर के कार्यालय और गैर आवश्यक विद्युत लाइट्स के उपयोग को बंद रखकर सहयोग प्रदान करें। इस मौके पर टाटा पावर अजमेर के प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि टाटा पावर अजमेर प्रबंधन का अर्थ आर मुहिम को मनाने का उद्देश्य हमारी पृथ्वी पर पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ाना और प्रकृति की रक्षा, जलवायु संकट से निपटने और मनुष्य के लिए एक उज्ज्वल भविष्य को आकार देने के लिए मिलकर काम करना है तथा पूरे विश्व समुदाय को सदा जिम्मेदारी के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर टाटा पावर के CEO मनोज सालवी ने आम जनता से अपील करते हुए इसमें सहयोग देने का आग्रह किया। नमस्कार, मैं मनोज सालवी, CEO TPADL। टाटा पावर हमेशा एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक रहती है और उनका आजकल का नारा ये है कि सस्टेनेबल इज अटेनेबल। जो एनवायरनमेंट के प्रति हमारी ग्लोबल वार्मिंग की इश्यूज है, जो अब सब लोग देख रहे हैं कि वातावरण में चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, बट हमारे बच्चों के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए अगर एनवायरनमेंट हमें सही रखना है तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो डेफिनेटली लेनी पड़ेगी। जग में 2007 में सबसे पहले ये मुहिम चालू हुई थी जिसको अर्थ और कहते हैं। इसमें सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 2007 में सबसे पहली बार रात को एक घंटा बहुत सारे नागरिकों ने अपने घर के लाइट्स बंद करके या कमर्शियल विस्टा अपने लाइट्स बंद करके उसमें एक सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन किया था और तभी से ये मुहिम चालू है। स्लोली स्लोली 7, 8, 9, 10 करते एक एक देश बढ़ते गए। इसमें आज के ज़माने में शायद 190 देश इस मुहिम में पार्टिसिपेट करते हैं और ये मुहिम जो टारगेट लेके चलिए कि पेरिस कन्वेंशन में 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर राइज में कंट्रोल करना है हमें ग्लोबल टेम्परेचर को, उसके तहत है हमारे सामान्य नागरिकों का पार्टिसिपेशन ये सब चीज़ में रहे, इसलिए हम भी टाटा पावर भी ये WWF के साथ ये प्रमोट कर रहा है। आने वाले 23 मार्च शनिवार है, उसको रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हमारी घर की जितनी भी अनावश्यक लाइट्स है जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें, वो बंद करके हम इसमें सिंबॉलिक सहभाग करें। ऐसा नहीं कि खाली लाइट बंद की कर सकते हैं, आप उस दिन एक घंटा किसी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बचाना हो या कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रैवलिंग करना हो, ई रिक्शा यूज़ करना हो, फूड इन्वायरमेंट फ्रेंडली फूड, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इसमें सब आप काम कर सकते हो। या हम मैं तो आह्वान करूँगा कि अजमेर के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, मॉल्स है, बड़े बड़े कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स है, ये भी इसमें नागरिक के साथ पार्टिसिपेट करें और हमारा एक सहयोग जो जागतिक लेवल पे लोग 190-202 देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे छोटे से शहर का एक बड़ा सहयोग हम इसमें दिखा सकते हैं। इसमें ट्री प्लांटेशन भी हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन भी हो सकता है,
हमारे बहुत सारे रिलीजियस इनोवेशन में इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके एक अजमेर की तरफ से एक छोटा सा सहभाग हम इस मुहिम में दे सकते हैं और एनवायरनमेंट के प्रति एक जागरूकता। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अटल छत्र हनुमान मंदिर लीला सेवड़ी में पुजारी ओम प्रकाश पप्पू पंडित पर अज्ञात युवकों द्वारा हुए हमले को लेकर SDM ऑफिस और पुष्कर पुलिस थाना में ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर बालकिशन पाराशर ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा अटल छत्र हनुमान मंदिर लीला सेवड़ी में पुजारी ओम प्रकाश पप्पू पंडित पर अज्ञात युवकों द्वारा हुए हमले को लेकर SDM ऑफिस और पुष्कर पुलिस थाने में ज्ञापन दिया गया। बालकिशन पाराशर ने बताया कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए निवेदन किया। ज्ञापन देने में विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष रामकरण मेघवाल, नगर मंत्री शुभम पाराशर, सह मंत्री लोकेश गहलोत, बजरंग दल संयोजक अंकित पाराशर, सह संयोजक अनुराग जोशी, नरेश पालरिया, नगर संयोजक विशाल रावल, धर्माचार्य प्रमुख सत्यनारायण शास्त्री, बालकिशन पाराशर, रवि पाराशर, विष्णु कमल नैन, दादी चादी मौजूद रहे। आज हम सब विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं हिंदुवादी संगठन के लोग में रोष व्याप्त है, क्योंकि विगत 2 दिन पहले लीला सेवड़ी ने अटल छत्र हनुमान मंदिर के पुजारी जी पे हमला करके उनसे छीना झपटी करके और उनको प्राणघातक हमला किया, जो कि अभी उनका इलाज चल रहा है। तो ऐसी घटनाएं पुष्कर में 2-4-5 हो रही है, तो हम सब ने मिल करके और SDM साहब को और SP साहब को और पुष्कर के थानेदार साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें इन अवांछित तत्वों पर गतिविधियों पर अंकुश लगे एवं बाहर के बांग्लादेश के या बंगाल बिहार के जो अवांछित तत्व यहाँ ठहरे हुए हैं उनका वेरिफिकेशन हो। यह आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, तो हमारे सब हम सब की मांग है कि इन सब अपराधी तत्वों पे अंकुश लगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन द्वारा लगातार आम मतदाताओं को अधिकतम मतदान के प्रति प्रेरित करने को मंगलवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, साथ ही नुक्कड़ नाटक का मंचन कर मतदाता को जागरूक किया गया। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रशासन द्वारा लगातार आम मतदाताओं को अधिकतम मतदान के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से मंगलवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, साथ ही नुक्कड़ नाटक का मंचन कर मतदाता को जागरूक किया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सोफिया कॉलेज की छात्राओं, स्टाफ सहित युवाओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया। रैली कलेक्ट्रेट परिसर में नुक्कड़ नाटक और शपथ के साथ समाप्त हुई। इस मौके पर मोनिका जाकर, सुनीता ब्रोडक, दिनेश कुमार साहू, कुलदीप मीणा मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदया भारती दीक्षित मैम एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर शहर श्रीमान गजेंद्र सिंह जी राठौड़ के तत्वाधान में के निर्देशानुसार आज यहां पर सोफिया कॉलेज से गर्ल्स ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली है, जो सोफिया कॉलेज से स्टार्ट होकर और कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर समाप्त हुई है। यहाँ पर एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा मतदाता को जागरूक किया गया है। EVM मशीन का प्रदर्शन उनके नाटक के माध्यम से किया गया है और यहाँ पर कैंपस के अंदर इन बच्चों ने अलग अलग तरह के नारों के माध्यम से प्रत्येक मतदाता को जागरूक किया है और कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए हम सभी कटिबद्ध हैं, कर्तव्य हमें निभाना है, हमारा अधिकार भी है और प्रत्येक मतदाता अपने घर से निकले, अपना वोट कास्ट करे और इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे, उसका अधिकार भी है। मैं बार बार मैं कह रही हूँ, कर्तव्य पहले है, बाद में अधिकार है। कर्तव्य ये है कि हम इस राष्ट्र में रहते हैं, हमारा जो है ये सबसे पहला कर्तव्य है कि हम इस राष्ट्र को मजबूत बनाएं, हम लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। कैंपस के अंदर शिवाक्षी खांडव मैम और मोनिका मैम, कुलदीप जी सर, दिनेश जी सर और मेरी समस्त स्वीप की टीम यहाँ पर मौजूद रही। आप मेरे साथ रह रहे हैं, देख रहे हैं रवि बंजारा जो यूथ आइकन है, जिसके माध्यम से विधानसभा चुनाव में भी और इस लोकसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर है, जो मतदाता जागरूकता को लेकर है। यहाँ पर हमारे जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है, हमारे अधिकारी हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर शहर श्रीमान गजेंद्र सिंह जी राठौड़ के माध्यम से सभी युवा मतदाताओं को, कैंपस में मौजूद प्रत्येक मतदाता को ये शपथ दिलवाई गई कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में 26 अप्रैल को अपना वोट कास्ट करेंगे, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से भी दिलवाएंगे, समाज के प्रत्येक सदस्य से दिलवाएंगे, एक वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे। मैं समस्त मीडिया का थैंक यू करती हूँ, मैं हर बार स्पीच में बोलती हूँ, आप सभी शिरोधार्य हैं, शिरोधार्य हैं और आपने ये रैली निकाली है, हमने
हमने ये सोफिया कॉलेज से लेके और यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर तक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली है। हमारे जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर शहर श्रीमान गजेंद्र सिंह जी राठौर, उनके तत्वाधान में हमने ये रैली निकाली है। और आप सभी से जागरूक किया है, आप सभी के माध्यम से ये बात प्रत्येक मतदाता तक पहुँचेगी कि हम सभी मतदान देने के लिए कटिबद्ध है, कर्तव्य हमारा निभाना है, हमारा अधिकार है, हमें वोट कास्ट करना है, सेल्फी डाउनलोड करनी है। जिस दिन हम वोट कास्ट करें, हमारे परिवार की एक सेल्फी डाउनलोड करें, वैसे तो हम कई तरह की फ़ोटोज़ डालते रहते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र के महापर्व की एक सेल्फी लेकर और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है। मैं फिर एक बार मीडिया का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच। मैं श्रीमती मीना शर्मा, उत्तर विधानसभा क्षेत्र स्वीप टीम प्रभारी, और मेरी सारी टीम के जो सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद है। एक टीम वर्क है, ये पूरा टीम वर्क है जिसके अंदर ये काम हो रहा है। और फिर से मैं आपसे, अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ जीआरपी थाना पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाया जा रहा है। जीआरपी पुलिस द्वारा आने वाली ट्रेन के कोच में विशेष चेकिंग भी की जा रही है। इसी के तहत दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली आश्रम ट्रेन में सीट के नीचे लावारिस हालत में एक बैग से 16 बोतल अंग्रेजी शराब की मिली। इस संबंध में जीआरपी थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ जीआरपी थाना पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाया जा रहा है। जीआरपी पुलिस द्वारा आने जाने वाली ट्रेन के कोच में विशेष चेकिंग भी की जा रही है। इसी के तहत दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली आश्रम ट्रेन में सीट के नीचे लावारिस हालत में एक बैग चेकिंग के दौरान मिला। इस पर जीआरपी थाना पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी इसे अपना बैग स्वीकार नहीं किया। बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें 16 बोतल अंग्रेजी शराब की मिली। जीआरपी थाना पुलिस ने बैग को जब्त कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे एडीजी साहब के और एसपी साहब के, एडिशनल एसपी साहब के और डिप्टी साहब के आदेश से और सीआई साहब के निर्देशन में गश्त चेकिंग बदमाश स्थान करने हेतु हेड कांस्टेबल रमेश चंद और बमर विक्रम सिंह और सुमेर चंद और गोपाल लाल तीनों ही यहाँ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान समय करीब 10:40 के आसपास आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर रुकी थी। उसी के दौरान गश्त करते हुए ये गश्त करते करते आश्रम एक्सप्रेस के B2 कोच में तलाशी कर रहे थे, चेक कर रहे थे, तो सीट नंबर 36 के नीचे एक बैग लाल कलर का लावारिस हालत में मिला। उस बैग के लिए आसपास में किसी से पूछताछ की तो किसी ने अपना होना नहीं बताया। उसको संदिग्ध मानते हुए या कोई मादक पदार्थ होते हुए विस्फोटक पदार्थ होने के शंका के कारण उसको खोल कर देखा तो उसमें 16 बोतल अंग्रेजी शराब की मिली। उन 16 अंग्रेजी शराब की बोतल को जब्त करके और टीम ने सीआई साहब को तहरीर दी कानूनी कार्यवाही करने की कि जो संदिग्ध व्यक्ति है जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। और अब जांच चल रही है, जहाँ श्रीमान सर्वेश्वर हेड साहब को दी गई है। अच्छा, ये ट्रेन आगे कहाँ जा रही थी? ये ट्रेन दिल्ली से आई है और अहमदाबाद जा रही थी। अच्छा। और अब वे अज्ञात कि भाई ये लावारिस बैग किसका है उसकी तलाश की जा रही है और जिसको बैग को जमा माल खाना किया गया। कब की घटना है ये? घटना कल दिनांक 19/3। शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। चोरी द्वारा अब गली में खड़े दुपहिया वाहनों पर भी लोग हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ब्रह्मपुरी का सामने आया, जिसमें देर रात दो चोरों द्वारा गली में खड़ी मोटरसाइकिल को चुरा लिया गया। चोरी की यह सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। इस संबंध में वाहन मालिक ने आज चोरों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। शहर में चोर लगातार सूने पड़े मकान में तो चोरी की वारदात को अंजाम दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ दोपहिया वाहन भी चोरी होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे एक मामला 15 मार्च का ब्रह्मपुरी का सामने आया, जिसमें घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को दो चोरों द्वारा रैकी करने के बाद आसानी से चुरा लिया गया। वाहन मालिक ने बताया कि रिश्तेदारों को लाने के बाद घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, तभी दो अज्ञात चोर
सिर पर टोपी लगाकर और मास्क पहनकर गली में आए, जिनमें से एक ने निगरानी रखी और दूसरे ने मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर गली के बाहर मोटरसाइकिल निकालकर दोनों उस पर बैठकर फरार हो गए। इस संबंध में मकान मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 15 तारीख की रात को लगभग करीब 1:40 पे दो लोग आए और एक जना हमारे पुल पे खड़ा हो गया और दूसरा अंदर से आके मोटरसाइकिल को खोल के और लेके चले गया स्टार्ट करके। ये सारी घटना हमने हमारे पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे के अंदर देखी और वो दोनों बिल्कुल टोपी ओपी लगाए हुए, कैप वैप लगाए, नकाब वगैरह पहना हुआ था, पतले दुबले थे लेकिन पहचान नहीं कर सकते थे शक्ल से। लगभग 1:15 तक तो मोटरसाइकिल खड़ी थी क्योंकि मेरा बेटा हमारे रिश्तेदारों को लेके बस स्टैंड से आया था, तब तक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और कैमरे की टाइम के अनुसार 1:40 के आसपास वो लोग दो जने आए और मोटरसाइकिल लेके गए। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी आपने? पुलिस में कंप्लेंट सुबह कराई, सुबह जब मैं निकला 9 बजे कहीं जाने के लिए बाज़ार में तो देखा मोटरसाइकिल नहीं है, तो आसपास देखा कहीं दिखी नहीं, फिर कैमरे सिस्टम ने पड़ोस वाले के कैमरे से देखा तो मालूम पड़ा कि गाड़ी लेके गए। फिर हमें कोतवाली थाने के अंदर जाके रिपोर्ट लिखाई। जो कौन सी मोटरसाइकिल थी उनकी, गाड़ी नंबर क्या था? हीरो होंडा ग्लैमर RJ14-1334। लगभग क्या कीमत ही है? कीमत तो अभी क्या बता सकते, 15-20 हज़ार होगी कम से कम। कौन सी जगह? ब्रह्मपुरी। राजगढ़ से श्री मसाणिया भैरव धाम पर आगामी 9 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक चैत्र नवरात्र मेला महोत्सव राजगढ़ धाम पर बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्र महोत्सव को लेकर चंपालाल महाराज मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ के सान्निध्य में देवीलाल यादव उपखंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर आगामी 9 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक चैत्र नवरात्र मेला महोत्सव राजगढ़ धाम पर बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्र महोत्सव को लेकर चंपालाल महाराज मुख्य उपासक भैरवधाम राजगढ़ के सानिध्य में देवीलाल यादव उपखंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन के द्वारा संबंधित कार्यों को लेकर मांग पत्र उपखंड अधिकारी नसीराबाद को दिया गया। उपखंड अधिकारी ने बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को छठ मेले से पूर्व करने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में विशेष रूप से PWD पुलिस व चिकित्सा व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा की गई। पुलिस व यातायात व्यवस्था के माकूल इंतजाम के साथ वाहनों का एक तरफा यातायात व्यवस्था पर जोर दिया गया जिससे भीड़ की अधिकता होने से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। चैत्र नवरात्र मेला महोत्सव के दौरान तहसीलदार नसीराबाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। बैठक में देवीलाल यादव उपखंड अधिकारी नसीराबाद विजय सांकला, CO नसीराबाद महेश शेषमा, तहसीलदार नसीराबाद महेश चौधरी, BDO श्रीनगर डॉक्टर अपूर्वा भारद्वाज, राजेश आर्य सहायक अभियंता PhD, लालाराम कनिष्ठ अभियंता PhD, विपुल सैनी कनिष्ठ अभियंता सराधना, विजयराज CID नसीराबाद, भवानी शंकर ग्राम विकास अधिकारी राजगढ़, दाताराम पटवारी राजगढ़, राम राठी चौकी प्रभारी, रतनलाल आयुर्वेद विभाग राजगढ़, रमेश सेन, राहुल सेन, पदमचंद जैन, प्रकाश राका, कमल शर्मा, अश्वनी शर्मा, बेचेलाल नीरज, राजेंद्र राजपुरोहित, नारायण मौर्य, राम प्रसाद मौर्य, नेमीचंद खिया सिंह, माणकचंद आदि मौजूद रहे। छठ मेले में भारी मात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस जाब्ते के माकूल इंतजाम किए जाएंगे। श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ पर 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जो नवरात्र महोत्सव मनाने जा रहे हैं उसकी तैयारी से संबंधित जो मीटिंग आपके द्वारा रखी गई है उसमें क्या क्या विशेष निर्देश आपने तय किए हैं? देखो, रेगुलर जिस तरह से यहाँ पे आयोजन होते आए हैं तो जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हमने मीटिंग यहाँ पर बुलाई है जिसमें डिप्टी साहब हैं, तहसीलदार जी हैं, PHED से हैं, PWD से हैं, AVNL के हैं, ADA नगर निगम और मेडिकल एंड इन डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया है, उनकी मीटिंग की है। उनसे संबंधित जो भी जिम्मेदारियाँ जिनको दी गई है, जैसे PHED से संबंधित जो जिम्मेदारियाँ हैं वो PHED को दी गई है, PWD से जैसे ऑफिसर आया तो उनको कोई रोड से संबंधित कोई समस्या है, अगर कहीं पे आ रही है कोई टूट फूट है, पुलिस से रिलेटेड कोई सेक्टर में सेक्टर्स बना के किस तरह से पुलिस जाब्ता वगैरह लगाना है, तो वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की है और इनको निर्देशित किया गया है और
महिला मजिस्ट्रेट के लिए इनको महेश जी सेसमा तहसीलदार साहब इनको नियुक्त किया गया है। इनके कोऑर्डिनेशन में पूरा मेरा भी पूरा इसके ऊपर सुपरविजन रहेगा और ये हर बार की बात ही अच्छे से ये हो बिना किसी दुर्घटना के, ये हमने सबसे। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विष्णु की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएलजी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर पुलिस कप्तान ने जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य समस्याओं के अलावा आगामी होली के त्योहार को देखते हुए भी विस्तृत चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएलजी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर पुलिस कप्तान ने जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य समस्याओं के अलावा आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए भी विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें त्यौहार को शांति और सौहार्दपूर्ण मनाया जा सके इसके लिए विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा सीएलजी सदस्यों द्वारा अनेक सुझाव दिए गए, उन पर भी कार्य किए जाएंगे ताकि भविष्य में सीएलजी टीम को और अधिक सशक्त बनाया जा सके और उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर पूर्णतया कार्य भी किया जा सके। आज जो जिला स्तर की सीएलजी होती है उसकी मीटिंग ली गई थी, तो जो भी सदस्य माननीय जिला लेवल के हैं वो सब उपस्थित आए हैं, उनसे बैठकर जनरल समस्याएं और अभी आने वाला जो त्यौहार है होली उसके संदर्भ में और क्या क्या समस्याएं हैं और हम कैसे इसको इंसिडेंट फ्री हादसा नहीं हो, हम सौहार्द से इसको मनाएं और एक शांति अमन चैन बना रहे, तो उस संबंध में सब माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और अन्य भी कोई सुझाव आए हैं तो उन सुझावों पे जो है आगे समय रहते कार्रवाई भी की जाएगी और इस कमेटी को सशक्त बनाया जाए ताकि ये कमेटी मेरे बिहाफ पर जिला लेवल पे पूरा जो है इन बातों का प्रचार प्रसार और इन चीज़ों की रोकथाम जो है वो और इफेक्टिव तरीके से हो सके। देखिए, मेरा ये मानना है कि आज के संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो दुकान का काम कर रहा हो, चाहे वो शादी ब्याह के लिए कोई परचेजिंग कर रहा हो, 50,000 रुपये बड़ी नॉमिनल अमाउंट है क्योंकि महंगाई के हिसाब से मान के चलेंगे 2.5-3 लाख-5 लाख रुपये एक आदमी का खर्चा मान लो परचेजिंग करने जाता है तो हो सकता है। तो इस संदर्भ में हमने हमारे स्टाफ को यही सेंसिटाइज किया है कि यदि उसके पास एक युक्तियुक्त जवाब है, उसका एक प्रूफ किसी न किसी रूप में उसके पास है, भी अमाउंट कहाँ से आई है और किस काम के लिए ली जा रही है, तो आम आदमी को परेशान करने का हमने बिल्कुल मना किया कि आम आदमी को परेशानी ना हो। चुनाव के संबंध में कोई पैसा अगर लेन देन के हिसाब से, पैसा हवाला के हिसाब से कहीं जा रहा हो तो वो उसको कम संबंधित जो टीम है अधिकारी हैं उनको नॉलेज में डाला जाए, उस नॉलेज में डालने के बाद उस पर निर्णय लेकर ही हमारे स्तर पर कलेक्टर साहब के और मेरे स्तर पर। विश्व गोरैया दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज वार्ड 3 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन हरिभा उपाध्याय नगर में आयोजित किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों की ओर से प्रकृति एवं सामाजिक चेतना जागरण के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर 10 स्कूल के विद्यालयों के बच्चों को चिड़ियों के लिए घोंसले दिए गए जिसमें वे अपने घर में लगाकर प्रकृति से जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। विश्व गौरैया दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया गया। सुबह 11 बजे वार्ड 3 पार्षद प्रतिभा अरविंद पाराशर के संयोजन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन हरिभा उपाध्याय नगर में आयोजित किया गया। पार्षद प्रतिभा पाराशर ने बताया कि इस मौके पर स्कूली बच्चों की ओर से प्रकृति व सामाजिक है चेतना जागरण के लिए जागरण रैली निकालकर सामुदायिक भवन सिने वर्ल्ड पहुंचे, जहां से लगभग 10 स्कूल के विद्यालय के बच्चों को चिड़ियाओं के लिए घोंसले दिए गए जिससे वे अपने घर पर लगाकर प्रकृति से जुड़ाव महसूस कर सकें। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कणाद भवन में दोपहर 12:30 बजे स्लोगन व पोस्टर प्रदर्शनी लगाई जाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। आज का जो कार्यक्रम है वो पर्यावरण संरक्षण एवं गौरैया संरक्षण को लेकर आज का विषय रखा गया है। आज विश्व गौरैया दिवस है जो 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। आज उसी गौरैया के संरक्षण हेतु इन बच्चों में जागृति लाएं, बच्चे प्रकृति के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं, अपने आधुनिक युग से थोड़ा आगे आके मोबाइल को छोड़कर प्रकृति से जुड़े, इस भावना के साथ में इस सामाजिक चेतना इनके बीच में जगे, प्रकृति के प्रति इनके भाव जगे, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज सभी विद्यालय, लगभग 10 विद्यालयों को हमने यहाँ बुलाया है, आमंत्रित किया है, जो सभी बच्चे रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का जो है आदेश देते हुए, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वो आज यहाँ सामुदायिक भवन में आए हैं। आज इन सभी बच्चों को हमारे माननीय विभाग प्रमुख निरंजन
मदन जी भाई साहब के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम का इनको उद्बोधन दिया जाएगा। पर्यावरण से किस प्रकार जुड़े, किस प्रकार से सुरक्षित रखें, किस प्रकार हम पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में इनका मार्गदर्शन किया जाएगा। और इसके साथ ही इन सभी बच्चों को जो यहाँ आए हैं बच्चे, उन सभी बच्चों को हम ट्री जो है बर्ड हाउस देंगे। जब वो बच्चे घर जाके ये बर्ड हाउस लगाएंगे और जब ये खुद बच्चे इन ट्री हाउस को बर्ड हाउस को लगाएंगे और वहाँ लगने के बाद जब चिड़िया उस घोंसले में अपना स्थान लेगी, तो जब ये बच्चे रात दिन उसको देखेंगे कि कैसे बच्चे चिड़ियाँ उस घर में आ रही हैं, घर बना रही हैं, तो इसके प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा और प्रकृति की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। तो बच्चों में इसी भावना से वो पैदा करने के लिए सभी का जुड़ाव प्रकृति से हो, इसी के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं समस्त आयोजकों का और यहाँ मेरी टीम का सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिनके कारण ये कार्य संभव हो पाया है। मैं आप सभी का, आप मीडिया टीम का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस कवरेज को आपने कैप्चर किया और इसको सभी क्षेत्रों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी के मन में प्रकृति के प्रति भावना जागृत हो, प्रकृति की तरफ। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।